सॉबेटमेंट टू सुसाइड, अगर कोई किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाता है, अबेट करता है, उकसाता है, या फिर किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करके आपको सुसाइड करने के लिए बढ़ावा देता है, या फिर इंटेंशनली आपको एड करता है, जैसे आप फांसी लगाने जा रहे हो, रस्सी ना मिले, हम लाके आपको रस्सी पकड़ा दें, हाँ हाँ लो भैया फांसी कर, फांसी लगा लो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तुम सुसाइड कर लो इसके लिए तुमको अबेट कर रहे हैं, है कि नहीं। दो लोग मिले और कंस्पिरेसी करी कि भाई कैसे इस तीसरे वाले को सुसाइड करवा दिया जाए, और उसके फर्दरेंस में कुछ किया जिससे कि फाइनली उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो क्या किया हमने, अबेटमेंट किया सुसाइड कराने के लिए आपको। और तीसरा जो मोस्ट कॉमन है, इंस्टिगेट करना, किसी को इंस्टिगेट करना। अब यहाँ पर क्रिटिकल चीज़ क्या है कि जनरली किसी को कह दो कि जाओ मर जाओ, हमको नहीं पड़ी तुम्हारे साथ, है जो मन होगा तुम्हारे साथ, ये जनरली जो गुस्से में नॉर्मली लोग कह देते हैं, इसको कोर्ट्स मना कर चुकी हैं कि खाली इतना काफ़ी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कहा था हाँ हाँ भाई जा मर जा, है ना, उतना काफ़ी नहीं है। सो एक डेलिबरेट ओवर्ट, है ना, एक एक्सप्रेस कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, मेरा कोई कॉन्डक्ट होना चाहिए जो ये दिखा रहा हो कि मैं चाह रहा था कि तुम सुसाइड कर लो, मैं एक्चुअली इंटेंड कर रहा था कि मैं तुमको उकसा दूं और तुम सुसाइड कर लो, है ना। तो उसके लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस कोर्ट्स की हैं। तो बहरहाल आपको फिलहाल इतना समझ लेना चाहिए कि नॉर्मली कोई किसी को कुछ कह दे या दो लोग हैं कहे आ जाओ नहीं हम छत से कूद जाएंगे, हैं, और तुम ना आए तो तुम्हारे ऊपर कोई अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज ऐसे नहीं लग जाएगा। तो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको बकायदा दिखाना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्या किया भाई कि कोई रीजनेबल आदमी सुसाइड ही कर लेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बहरहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि ये सेक्शन किन किन लोगों को कवर कर रहा है अपने में। तो 305 की जब आप बात करेंगे, तो अगर कोई चाइल्ड सुसाइड कर ले, या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, या फिर कोई डिलीरियस पर्सन, या फिर इडियट, या फिर इनसेन, इन पांचों कैटेगरी में कॉमन भाई क्या है कि ये पांचों ही बहुत ही मैच्योर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोचने समझने की शक्ति कि इनका मेंटल स्टेट नहीं है, ठीक है। तो देखो चाइल्ड तो समझ ही सकते हो भाई, बच्चा है, 18 साल से कम का कोई व्यक्ति जो अभी माना जा रहा है कि वो इतना मैच्योर नहीं है। तो अगर एक चाइल्ड को आप अबेट करेंगे सुसाइड करने के लिए तो वो इस सेक्शन में कवर हो जाएगा। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, कोई आदमी शराब के नशे में है, अब खुद से पियो किसी ने पिला दी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको वॉलंटरी इनवॉलंटरी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको खाली इस चीज से मतलब है कि ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड एंड नॉट इन अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, साउंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था वो। तीसरी चीज डिलीरियस पर्सन। डिलीरियस पर्सन क्या होता है? तो भाई जैसे आप कभी, जैसे आप पागल नहीं हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप नॉर्मल एक एवरेज बुद्धि के व्यक्ति हैं, लेकिन आप कभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, जैसे किसी के किसी ने सुना कि हाँ भाई मेरे बच्चा हुआ है, हैं, बहुत अच्छी ज़्यादा खुशी की उनको खबर लगी, वो एकदम इतना ज़्यादा खुश हो गए कि एकदम से फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो सोचने समझने की शक्ति उनकी ब्लैंक हो गई, बिल्कुल उनका दिमाग ब्लैंक कर गया, ज़्यादा खुश हो गए। तो ये जो बहुत ही माइन्यूट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब कोई नॉर्मल व्यक्ति जो नॉर्मली साउंड स्टेट का है वो ज़्यादा खुश हो गया, ज़्यादा दुखी हो गया, है ना, इस टाइप में एकदम से डर गया और उसका दिमाग ब्लैंक कर गया, इस तरीके से जो आदमी होता है उसको डिलीरियस पर्सन आप कहते हो। इडियट और इंसेन में डिफरेंस समझ लो भाई, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है लोगों को, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से समझो भाई। जनरली इडियट किसी को लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं, आर यू एन इडियट, है, और इनसेन वाले को क्या कहते हैं, हैव यू गॉन इनसेन। तो क्या हो रहा है, आर यू एन इडियट और हैव यू गॉन इनसेन में क्या फर्क सुनने में आ रहा है, एक वो है कि तुम हो ही इडियट, जैसे जो लोग पैदा ही कम बुद्धि के होते हैं, है ना, जिनका आईक्यू बिलो एवरेज है ही, है ना, हो नहीं गया है ही, और जो लोग साउंड स्टेट के हों
एवरेज बुद्धि के हों, है ना, बहुत इंटेलिजेंट भी ना हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, लेकिन साउंड स्टेट के हों, और बिकॉज ऑफ सम डिजीज, सम साइकोलॉजिकल डिजीज दैट दे नाउ हैव, अगर वो अपने सोचने समझने की शक्ति में नहीं है तो वो क्या है, दे हैव गॉन इनसेन, है ना। तो इडियट कोई व्यक्ति होता है, होता ही है, और इनसेन क्या है, उसको बनना पड़ता है ना, किसी चीज की वजह से वो हो जाता है। तो इसको इस तरीके से समझो। तो भाई इडियट और इनसेन को भी हमने कवर कर लिया। अब अगर इन लोगों ने सुसाइड किया तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने उसको अबेट किया होगा, ठीक है, अगर उसने उसको अबेट किया होगा, किन तरीकों से, तीन तरीकों से कर सकता था, इंस्टिगेट करके, कॉन्स्पिरेसी करके, या फिर इंटेंशनली एड करके, एज पर सेक्शन 107 में जो आपके तीन अबेटमेंट की डेफिनेशन में दिए गए हैं। तो उस केस में सेक्शन 305 में ऐसे व्यक्ति की लायबिलिटी क्या होगी, उसको डेथ पेनाल्टी मिल सकती है, ठीक है, या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, या फिर अप टू 10 ईयर्स की सिंपल जो जेल होती है वो हो सकती है, ठीक है। तो तीन तीन कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट्स हैं, उसको सजाए मौत भी हो सकती है, जिंदगी भर के लिए जेल भी हो सकती है, या फिर खाली जेल हो सकती है, वो भी मैक्सिमम 10 साल के लिए, उससे ऊपर नहीं, उससे कम कोई भी अमाउंट, है ना, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कैप है, मिनिमम कोई लिमिट नहीं लगा दी गई है। और जब आप 306 में आते हो तो 306 में क्या है, जो लोग इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस कैटेगरी से जो है बाहर होगा, उसको आप क्या करोगे, आप 306 की कैटेगरी में काउंट कर लोगे। और यहाँ पर जो सजा है, देखो वो इसकी सजा से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सजा है वो केवल अप टू 10 ईयर्स ऑफ, इसका जो सबसे छोटा है ना, इसकी जो सबसे लीस्ट हार्श सजा है वो यहाँ की नॉर्मल सजा है, ठीक है, मैक्सिमम ही यहाँ पर इतनी मिल सकती है। तो ये आपको समझ के चलना है। तो 305 और 306 अबेटमेंट टू सुसाइड से जुड़े दो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं। देखो क्योंकि जनरली क्या है, अबेटमेंट अपने आप में ऑफेंस नहीं है, तो किसी और ऑफेंस के लिए अगर आप करने के लिए किसी को उकसा देते हो तो आप अबेटमेंट टू दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, यानी कि किसी को मारने के लिए उकसाया तो अबेटमेंट टू मर्डर का चार्ज लग जाएगा, किसी को चोरी करने के लिए उकसाया तो अबेटमेंट टू थेफ्ट का चार्ज लग जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान दो, सुसाइड अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, है ना, सुसाइड कर लेना कोई अपने आप में ऑफेंस नहीं है, ना कर पाना ऑफेंस है, लेकिन यहाँ पर हम कर लेने की अबेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा लोग सुसाइड ना करें, ये तो लॉ चाहेगा, तो भाई अगर कोई किसी को उकसाएगा तो उस एक्ट को भी हमने इसमें से रोकने की जो है कोशिश कर दी। तो अबेटमेंट सुसाइड का केवल इतना ऑब्जेक्ट है कि लोग किसी को मरने के लिए उकसाएं ना, है ना, कोई ये ना प्रयास करे कि सामने वाला सुसाइड वगैरह कर ले, तो उस चीज को रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए आपके ये दोनों एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं जो सजा की बात करते हैं। ये ज्यादा सीरियस है, ये कम सीरियस है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति मर रहा है, इसमें जो सुसाइड कर रहा है, वो ऑलरेडी दिमाग से कम मैच्योर है। जैसे एक गड्ढे में किसी बूढ़े आदमी को ढकेल देना और एक गड्ढे में एक एथलेटिक आदमी को ढकेल देना, एथलेटिक आदमी भाई कूद फांद के वापस आ सकता है, लेकिन बूढ़े आदमी को आपने ढकेल दिया, सेम चीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करोगे जो थोड़ा सा लाचार है, इन्फीरियर है, जैसे यहाँ पर मैच्योरिटी के स्टैंडर्ड से ये लोग इन्फीरियर हैं, अगर आप इनको सुसाइड करने के लिए उकसा रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा ख़राब मानी जा रही है, और इसीलिए यहाँ पर जो ऑफेंस की ग्रेविटी है वो ज़्यादा हाई है, और इसीलिए इसकी सज़ा भी ज़्यादा हाई है, ठीक है। 305 में सजाएं मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अबेटमेंट सुसाइड का, और अबेटमेंट से जुड़े जो पिछले दो वीडियोज़ हैं वो अगर किसी को अबेटमेंट नहीं पता है और अच्छे से समझना चाहता है तो वो जाकर देख सकता है। सो थैंक यू सो मच, आप अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को भी जाके देख लें। थैंक यू सो मच, इसमें किसी को कोई डाउट तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।